क्या आपका पति पॉर्न एडिक्ट है या पॉर्न देखता है रात को? तो इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अन्य हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कभी सारी लेडीज़ हमें फ़ोन करती है, पूछते रहती है, और उनकी तकलीफ यह रहती है कि रात को उनका पति पॉर्न देखते रहता है। अब इसमें अलग तरीके हैं। कुछ लोग, कुछ पति ऐसे रहते हैं कि जो पॉर्न देखते हैं, और पॉर्न देखते देखते जैसा पॉर्न में दिखाया गया है वैसे उनको चाहिए रहता है, और वो सेक्स करने के लिए उत्सुक रहते हैं, या वो सेक्स तरीका वो तरीके से सेक्स करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो पॉर्न देखने के बाद में उनको एक्साइटमेंट आता है, और वो एक्साइटमेंट आने के बाद में फिर वो सेक्स करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों में पॉर्न देखना जरूरी है ऐसा उनको लगता है, दोनों पॉर्न देखते हैं और बाद में फिर सेक्स करते हैं। तो कुछ लोग पॉर्न देखते हैं और पॉर्न देखते देखते पहले मास्टरबेट करते हैं, और मास्टरबेट करते अपना सेटिस्फाई कर लेते हैं और बाद में सेक्स करते ही नहीं है। इनको आदत क्यों लगती है ऐसी कि मास्टरबेट करना है पॉर्न देखते देखते? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं आज तो मैं थक गई, आज तो मेरी इच्छा नहीं है। फिर बच्चे हैं, बच्चे तकलीफ देते हैं, दिन भर बच्चों के पीछे दौड़ना पड़ता है, तो फिर सेक्स करने की इच्छा ही नहीं है, ना बोलती है। तो फिर उनको क्या है ऑल्टरनेटिव? उनको ऑल्टरनेटिव ये है कि फिर पॉर्न देखो, खुद को एक्साइटमेंट कॉज करो और मास्टरबेट करो। फिर उनको लग जाती है आदत, फिर उनको लग जाती है आदत, और फिर वो चाहती है कि भी अपना पति जो है उसने पॉर्न देखना नहीं चाहिए, मगर भी उसको आदत लग गई, एडिक्शन हो गया। तो इसलिए अभी इसको स्त्री ने या पत्नी ने अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार करना या रखना जरूरी है कि भाई उसको आदत कैसे लग गई, आपने कहाँ कोऑपरेट नहीं किया, आपने उसको जो चाहिए वो दिया नहीं क्या, आपने उसको आदत लगने के लिए मजबूर किया क्या, आप उसको उतना एक्साइटमेंट नहीं कॉज कर रही क्या, क्या आप में मिसिंग है? वो आपको देखना पड़ेगा ताकि वो पॉर्न एडिक्ट नहीं होगा, या पॉर्न देख के उसका एक्साइटमेंट उसको खुद को करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ पति एंटरटेनमेंट के लिए पॉर्न देखते हैं, जैसा वाइफ इच्छा ही नहीं है सो जाती है, बच्चे जल्दी सोते नहीं हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो वो चुपचाप पॉर्न देखो एंटरटेन करो सो जाओ, या पॉर्न देखो मास्टरबेट करो सो जाओ, ऐसे भी कुछ लोग करते रहते हैं। कुछ लोगों को करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता, खुद कोई आदमी को उसको करने के लिए भय है या इंटरेस्ट नहीं है या कुछ भी है, और उसको एक बार वो देखता, दो बार देखता, तीन बार देखता, उसको पॉर्न एडिक्शन हो जाता है, उसको उसमें ही मज़ा आता है, सेक्स करने में उसको मज़ा आता ही नहीं है, और ऐसे कुछ पॉर्न एडिक्ट रहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि पत्नी ने पति को एक्साइट करने के लिए जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए, वो करने को होना, वो मालूम करने को होना कि भाई अपना पति पॉर्न क्यों देखता है, मेरे में क्या मिसिंग है, मेरे में क्या कमी है, मैं ऐसा क्या करूं कि वो पॉर्न नहीं देखेगा, उसको एक्साइटमेंट क्यों नहीं आ रहा है। सब ये वो देखती है, खुद के ऊपर उसका विचार करके कुछ प्रयोग करती है कि भाई नहीं मुझे क्या करना होगा तो शायद पॉर्न देखने का उसका एडिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, या पॉर्न देखना उसका कम हो जाएगा। और वैसे ही पॉर्न देख के भी एक्साइटमेंट उसको आता है तो गलत कुछ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई वही 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 करके, वही औरत है, वही वातावरण है, वही सिचुएशन है, वही टाइम है, वही बेड है, तो उनको बोर्डम हो जाता, फिर ऐसे वक्त उन्होंने एक्साइटमेंट के लिए पॉर्न देख लिया और बाद में सेक्स कर लिया, तो कोई उसमें बहुत गलत है ऐसी भी कोई बात नहीं है। मगर औरत तैयार है, वो सेक्स करने को तैयार है, वो सेक्स करने को उत्सुक भी है, और ऐसे वक्त यदि पति सेक्स न करते हुए पॉर्न दिखता है और पॉर्न देख के अपने आप को सुख शांति समाधान पा लेता है, एक्साइटेड पा लेता है, तो फिर वो प्रॉब्लम है। पत्नी तैयार है, उत्सुक है, और ये पॉर्न देख के मास्टरबेट करता है तो ये प्रॉब्लम है, और इसमें फिर ये प्रॉब्लम का हल करना जरूरी है। उसको भाई क्या करना चाहिए ताकि उसको एक्साइटमेंट आ जाएगा, पत्नी ने क्या करना चाहिए उसको एक्साइटमेंट आएगा, काउंसलिंग करना होगा, हिप्नोथेरेपी हम करते वो करना होगा, तो सब करते हैं तो उसका डेफिनेटली इलाज हो जाएगा। और जो बिल्कुल ही अभी सेक्स करने में उत्सुक ही नहीं है, जो सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं है पत्नी के साथ में, और पॉर्न देखने में उत्सुक है, पत्नी परेशान है, ऐसे समय उसका इलाज हो सकता है। काउंसलिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। काउंसलिंग के साथ साथ कुछ उसको मेडिसिन दे दिया, मतलब जैसा एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन हम कभी कोशिश करते हैं और वो कभी देते हैं, तो उससे भी कुछ लोगों को फ़ायदा होते रहता है। ये भी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लेडीज़ को शेयर करो जिनके पति
पॉन एडिक्ट है, सेक्स करते नहीं है, मगर आपको ये मालूम नहीं कैसा हो रहा है क्योंकि चुपचाप होता है बाहर, तो चर्चा होती नहीं है। इसलिए सभी लेडीज़ को शेयर करो ताकि सभी लेडीज़ का वैवाहिक जीवन खुशी से बीतेगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।